हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। हम देखेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या हैं, क्यों उनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स की हिस्ट्री क्या है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट कर रही है। ठीक है, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स को डिटेल में समझने से पहले उनके लिए अभी अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है, तो पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। डिनोटिफाइड ट्राइब्स को हम विमुक्त जाति भी बुलाते हैं। इस स्कीम के तहत नोमैडिक ट्राइब्स को भी कवर किया गया है और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को भी कवर किया गया है। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी हैं ट्राइब्स की। डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी होती हैं? विच वर नोटिफाइड बाय द ब्रिटिशर्स एंड लेटर ऑन डी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्या होती हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स? ये आगे का विषय है। अभी आप ये समझ लो कि ये स्कीम तीन जनजातियों के लिए लॉन्च की गई है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, द नेम ऑफ द स्कीम इज सीड। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सीड, और जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। तो रिसेंटली लॉन्च जो स्कीम है उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलेंगे सीड स्कीम। तो आइए देखते हैं क्या है ये सीड स्कीम। तो पहला पॉइंट है, इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम। क्या होती है अम्ब्रेला स्कीम? एक अम्ब्रेला स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंडर में और बहुत सारी सब स्कीम्स आती हैं। मतलब सिर्फ एक स्कीम नहीं है, छोटी छोटी कई सारी स्कीम्स का ग्रुप है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की गई है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्कीम विल इंश्योर एक्सपेंडिचर ऑफ 200 करोड़ टू बी स्पेंट ओवर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम 2021-22। मतलब 2021 से लेके आगे नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो स्कीम है सीड, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। मतलब इनके लिए जो वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं DWBDNC, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। इस स्कीम को एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस स्कीम के, जो ये सीड स्कीम है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, होगा क्या इस स्कीम के तहत। तो बेसिकली इस स्कीम के चार कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट। मतलब सीड स्कीम के तहत जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं और नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनके बच्चों को एजुकेशनली एम्पावर करने के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, कोई IIT या MBA या CAT वगैरह की, या इवन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सरकार द्वारा कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड कॉम्पोनेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लोग हैं, जो बच्चे हैं, या सेमी नोमैडिक या नोमैडिक ट्राइब्स के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है लाइवलीहुड्स, टू सपोर्ट इनकम जनरेशन।
मतलब इनको रोजगार की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम, ताकि ये लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। और हिस्टोरिकली भी अगर आप इनको देखोगे तो इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है हाउसिंग। तो सीड स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत इनको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ट्राइब्स घुमंतू हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, तो इन ट्राइब्स के लोगों को घर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस स्कीम के तहत। तो ये तो थी सीड स्कीम, मतलब जो अभी रिसेंटली इनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है वो। अभी हम देखेंगे कि ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या हैं। तो हु आर डीनोटिफाइड ट्राइब्स? देखिए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स को समझने से पहले आप ये समझेंगे हु वर नोटिफाइड ट्राइब्स, क्योंकि नोटिफाई होने के बाद ही डीनोटिफाई हुए ना। तो नोटिफाइड ट्राइब्स वो ट्राइब्स होती थी जिन ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने बॉर्न क्रिमिनल समझ लिया था कि आप तो पैदाइशी ही क्रिमिनल हैं, और अगर नियर बाई एरिया में कोई क्राइम होता है और इन कम्युनिटी के लोग प्रेजेंट हैं तो पहला शक इन कम्युनिटी के लोगों पे जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे लॉज बनाए और ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि अगर क्राइम होता है तो इनको नोटिफाई किया जाएगा, थाने में बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी बिना किसी शक के आधार पे डायरेक्टली। तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, और सबसे पहला जो एक्ट था दैट वाज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत इन ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया था। सो दीज कम्युनिटी वर नोटिफाइड एज बॉर्न क्रिमिनल्स अंडर वेरियस क्रिमिनल लॉज। और जब इंडिया आजाद हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो लॉज थे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ थे, डिस्क्रिमिनेटरी थे। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने उन ट्राइब्स को डीनोटिफाई कर दिया कि वो बॉर्न क्रिमिनल नहीं हैं, वो भी वैसे ही नागरिक हैं इस देश के जो दूसरे नागरिक हैं। आर्टिकल 14 के तहत उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद इन ट्राइब्स को कहा जाने लगा डीनोटिफाइड ट्राइब्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले इनको नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता था ब्रिटिशर्स टाइम पे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाने लगा जब इनको डीनोटिफाई कर दिया गया फ्रॉम वेरियस क्रिमिनल एक्ट्स। अब और थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स के। सो बैकग्राउंड ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स, तो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, दीज ट्राइब्स आर एडिक्टेड टू सिस्टमेटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये देखो बहुत बड़ी बात कह रखी है, एक पूरी कम्युनिटी को ही क्रिमिनल बना दिया कि ये तो एडिक्टेड हैं क्राइम करने के। ठीक है, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है और बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए, इन ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया। और उससे हुआ क्या, दीज कम्युनिटीज वर सब्जुगेटेड, परसिक्यूटेड एंड नेग्लेक्टेड, जिनकी वजह से इन कम्युनिटीज का विकास रुक गया। ना तो ये एजुकेशनली ग्रो कर पाए, ना ही फाइनेंशियली ग्रो कर पाए, और ये कम्युनिटीज दबी की दबी रह गई। दिस लेड टू पॉसिबल एलिनेशन फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड हैबिटेशंस, मतलब जो उनके ट्रेडिशनल काम चले आ रहे थे वो भी हैम्पर हो गए, और ना ही ये प्रॉपरली अपने आप को कहीं बसा पाए, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहे। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से वो हंटर और गैदरर्स ही बने रहे, कहीं भी किसी भी एंगल से ये अपने आप को डेवलप और स्टेबलाइज नहीं कर पाए। फिर भारत आज़ाद हो जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनको डीनोटिफाई कर दिया जाता है फ्रॉम वेरियस क्रिमिनल एक्ट्स, बट फिर भी इनको जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा नहीं हुआ।
और इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी कमेटीज और कमीशंस बैठाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो कमेटी बैठाई जाती है दैट वाज अयंगर कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1949, और इसी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे बहुत सारे जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट थे उनको रिपील कर दिया जाता है, उनको वॉइड एंड नल घोषित कर दिया जाता है। 1953 के अंदर काका कालेकर कमीशन बैठाया जाता है जिसको फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी कहा जाता है, उसमें भी इनके उत्थान की, इनकी कंडीशन की इम्प्रूवमेंट की बात होती है। उसके बाद 1965 में बीएन लोकुर के अंडर एक कमेटी बैठाई जाती है, उस कमेटी का मेन मोटो था जो एससी एसटी लिस्ट है उसको रिवाइज करना, रिवीजन ऑफ एससी एसटी लिस्ट। और इस लिस्ट का रिवीजन करते टाइम डी नोटिफाइड ट्राइब्स के प्रति भी बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए थे, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद 1980 के अंदर जब बीपी मंडल कमीशन बैठाया जाता है उसने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी ताकि डी नोटिफाइड ट्राइब्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरीके से कमेटीज और कमीशन बैठते गए, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस देते गए, कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी किया गया। और 2002 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैठाया जाता है अंडर MN वेंकट चेलिया। क्या रिकमेंडेशन थी इस कमीशन की? इस कमीशन ने कहा कि इन कम्युनिटीज को, इन ट्राइब्स को अननेसेसरीली स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, अननेसेसरी इनके ऊपर ये दाग है जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 2006 में जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाता है अंडर बाल कृष्णा रेणके। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2015 के अंदर उनके प्लान डेवलपमेंट के लिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स नेशनल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री भिकू रामजी इडेट। और इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट सेटअप डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स, जो कि अभी जो ये रिसेंट स्कीम है सीट, उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या रही, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किए थ्रू वेरियस कमीशन एंड कमिटीज, और रिसेंटली जो स्कीम है सीड स्कीम, उसके क्या मेन मोटो है इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।